Estar. हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? अरे काय रे देवा, रे देवा, देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, गराज में नहीं। क्या ये स्टार गराज है? मैं गराज का ओनर बाबूराव आपटे बोल रहा हूँ। देवी प्रसाद का घर नहीं है। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर है? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे कूतरे असाला देख के नंबर डाल कर। हेलो बाबू राव है? नहीं देवी प्रसाद है। बोल साला, रख दिया तो भी बात करता है। हेलो बाबू राव जी है? हेलो 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 जी, मुझे किराए पे। समझ गया। कौन से गांव से आया तू? गुड़गांव। बहुत अच्छा गांव रहने का। वहाँ का लोग गुड़ की तरफ मीठा मीठा होने का। जी वो तो है। जी मुझे मारुति ने, मारुति यस टीम टाटा सब मिलता अगर थोड़े जल्दी आता। एक गाड़ी बचा है बाजू का गरन में। जी मुझे गाड़ी नहीं चाहिए। तुमको गाड़ी नहीं चाहिए? जी मुझे मारुति भैया ने भेजा है। कौन मारुति? कौन भैया? जिनका रेस्टोरेंट है माटुंगा में। मारुति राव जी। अरे बाबा, वो तो बहुत चांगला, बहुत अच्छा आदमी है। वो भी बता रहे थे कि आप भी बहुत ही दरियादिल इंसान है जो दूसरों का दर्द समझते हैं। अच्छा बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। जी मेरा नाम श्याम है। तो ये तुम्हारा समस्या है? तो नाम बदल डालो, उसमें गांव से इधर आने की क्या जरूरत जी है? मैं गांव से यहाँ नौकरी के चक्कर में आया हूँ। अरे बाबा, इधर कोई नौकरी नहीं। जी दरअसल नौकरी मेरी समस्या नहीं है, मेरे पास रहने के लिए। देखो बाबा, तुम पहले नक्की करो तुम्हारा समस्या क्या है। नाम, नौकरी की, घर। ठीक, घर। घर एक काम करो, ये सड़क पे राइट में चले जाओ, वहाँ बहुत सारी होटल है, जाओ। लेकिन मेरे पास इतने पैसे तो नहीं। देखा, फिर तुमने समस्या बदल डाली। कुछ दिनों के लिए रहने दीजिए, आप तो दरिया दिल इंसान है। और दिल दरिया है, बाकी सब समंदर है। ये मेरी समस्या है, मैं आपकी समस्या और नहीं बढ़ाऊंगा। बारे जाओ। देख लेकिन तेरे को भाड़ा देना पड़ेगा महीने का 3,000। लेकिन मैं तो गांव से सिर्फ 500 रुपये ले आया था। हाँ तो 500 देना, 500 चलेगा। 500 में से 200 खर्च हो गए, तो अभी कितना बचा है? 300। हाँ तो लाना 300। उसमें से 100 पास के लिए चाहिए, तो 200 ला, 200 चलेगा। देवा आज पीने का बंदोबस्त हो गया। अच्छा अब ये पैसा मैं कम लिया वो तो मैं चला लूंगा, ठीक है, लेकिन काम में हाथ बटाना पड़ेगा। ये कोई 5-स्टार होटल नहीं है, खाना पकाना आता है? जी नहीं। ठीक है तो बर्तन धो लेना, चल खोल दिखाता हूँ। वो देख, वो हमारा पड़ोस का मुर्गी है, बिल्कुल मेरी तरह। वो भी पीती है? बाबा मेरी तरह दरिया दिल है, बोले तो रहती पड़ोस में, अंडा इधर आके देती है, चल। और वो ऐसे तो बाबा मेरे को तेरे से भाड़ा लेने का कोई जरूरत है ही नहीं, लेकिन अगर मैं तेरे से भाड़ा नहीं लूंगा तो कल उठ के तू समझेगा कि मकान का मालिक तू है। वो कमरे को देखने का नहीं है, वो कमरा बंद ही रहने का। ये कमरा मैंने एक नाटक कंपनी वाले को भाड़े पे दिया था, मोहिनी थिएटर। 2.5 साल तक सालन भाड़ा नहीं दिया, और जब भाड़ा मांगा तो नौटंकी करता था, लात मार के भगा दिया और पूरा सामान पर कब्जा कर लिया, तू समझा ना जी। चल ये, ये तुम्हारा कमरा है, तुम इधर रहने का। इधर एक और आदमी भी रहता है, वो उसका बैग है और उसका टॉवेल टूथपेस्ट तुम नहीं वापरने का। इधर से तेरे को पीने का और आंगुली से धोने का और नहाने का पानी तेरे को मिलेगा, तू समझा ना। ये तो बहुत गहरा है। हाँ तो नीचे जाके नहाने का जरूरत नहीं है, बाल्टी से पानी बाहर निकालो कर इधर नहाने का। आ जा संडास दिखाता हूँ। ये कितनी बार बोला कि दरवाजा पकड़ के बैठ या गाना गा। तुमको गाना गाने आता है? नहीं। तो सीखना पड़ेगा, अगर सुबह सुबह संडास जाना है तो सिंगर बनना पड़ेगा, नहीं तो 2 किलोमीटर दूर रेलवे की पटरी पे। क्यों? अंदर कड़ी नहीं है रे, और पहले तो दरवाजा भी नहीं था। अच्छा मेरा पीछे पीछे नहीं आने का, उधर जा कमरे में और अपना सामान रख दे, जा। जी। एक तो सुबह से प्रेशर नहीं आ रहा और ऊपर से इसको बाथरूम में घुसने का शौक है। काय रे? वो बाथरूम में कड़ी क्यों नहीं लगाते हो आप? अरे वो क्या खजाना है कि कड़ी और ताला लगाऊं? अरे तो जो लोग गैराज देखने आते हैं उनको बाथरूम क्यों दिखाते हो? वो गैराज देखने नहीं, इधर रहने आया है। इस
शैतान को यहाँ कमरा दिया रहने के लिए? शैतान? इसने तो बोला था श्याम है। ये श्याम नहीं, जेब कतरा है। बाबूराव जी, इसे गलत फहमी है। ए, चले चल, 1, 2, 4, चल निकल यहाँ से, चल। अरे? चल बोला ना, चल। अरे तुम हाथ मत लगा। हाथ क्या, मैं तो पैर भी लगाएंगा, चल यहाँ से निकल। मैं बाबूराव जी से सुनना चाहता हूँ। बाबूराव से सुनेगा ना तू? बाबूराव, मैं देखता हूँ तू यहाँ से कैसे नहीं जाएगा। जरूर जाएगा यहाँ से, साला चोर कहीं का। भैया भैया, बजरंगबली की कसम, मैं चोर नहीं हूँ। आप जैसे भले आदमी को इसकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आप ही बताइए, अगर मैं चोर होता तो क्या इतनी दूर से नौकरी की तलाश में यहाँ आता? मेरा भरोसा कीजिए, इसे समझाइए ना बाबू भैया। चले, दुख भरी कहानी मत सुना, चल। ये देखिए, बाहर चल, ये मेरा बैग। राजा, और चल तू, चल तू। अरे, और ये ले तेरा कंबल, निकल यहाँ से, चल निकल। ये क्या कर रहा है? आप एक लफ्ज भी मत बोलिए। एक लफ्ज? कौन सा लफ्ज? मेरा मतलब आप बीच में मत आइए। नाम का है रे तेरा? बाबू भैया। बाबू भैया मेरा नाम है, तेरा नाम कैसे रखता है? मेरा नाम है, और तू सुन, मैं इधर का मालिक हूँ, वॉचमैन नहीं हूँ, मेरा भी कुछ बोलने का हक बनता है। राम श्याम। अरे तू कोई भी आम हो, तू अपना सामान उठा, अंदर जा, जा। अगर ये अंदर जाएगा तो मैं घर के बाहर जाऊंगा। कोई बात नहीं, तू जा सकता है, जा। अरे आप उसको अंदर रखने के लिए इतना बेताब क्यों है? वो फोकट में नहीं रहेगा, भाड़ा देगा। ये तू अपना सामान उठा, अंदर जा। ठीक है तो उसका किराया मैं दे दूंगा। देवा, 2 साल में फूटी कौड़ी नहीं दिया और उसका किराया भी देगा? तू जान है। मैं चला जाऊंगा। जा, मैं चला जाऊंगा। हाँ हाँ, जा, मैं सचमुच चला जाऊंगा। चल 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 चल, मैं जा रहा हूँ। अरे तू जा रही? मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया देके जाऊंगा। इसका मतलब तू इधर से कभी नहीं जाएगा। एक बात बता, तू सचमुच चोर नहीं है ना? नहीं बाबू भैया। हाँ, वैसे भी चोर लोग चश्मा नहीं पहनते। केल, ये बैग। थैंक यू। अरे नको रे, थैंक यू बैंक नको रे। वो दुकान पे जा और खंबा लेके आ। खंबा? खंबा, दारू, दारू। वहां जाके संतरे का बॉटल लेके जा। का है रे हीरो, फिल्मी कलिया खिला रहा है? हाँ। ये दाल चावल का भी खिलाएगा? ये पेट के अंदर चूहा दौड़ रहा है। बोलो ना अपने उस नए रिश्तेदार को, वो बैठ के बनाएगा ना। अशोक का? हाँ, ये आइडिया अच्छा रहने का। भाड़ा भी वही दे, हाँ, झाड़ू पोछा बर्तन भी सब वही करे, और खाना भी वही पकाए। और कल से मैं उसको कपड़ा धोने को भी बोलता है, और तो पूरा दिन आराम से सेट के जैसा मजे मारने का। कल कौन सा दिन रहने का रे? शुक्रवार। हाँ, शुक्रवार बहुत अच्छा दिन रहने का। तो क्या कर, अपना सब कपड़ा इकट्ठा कर, पेटी में डाल, और इधर से खोली खाली कर। अरे बाबा, तू अभी रात को किधर चोर की तरह भटकेगा? सुबह में जा। मैं सिर्फ चावल बनाऊंगा। तो अभी जा। और सिर्फ दाल बनाऊंगा, लेकिन तड़का मैं नहीं लगाऊंगा। अरे बिना तड़के की दाल खा लूंगा। अब आए ना लाइन पे। कैली सारा कौवा है रे। प्रेशर आ गया। ये क्या बेहुदा हरकत है? ये बेहुदा हरकत ना दिखाने के लिए ही तो मैंने दरवाजा बंद किया है। क्या रे, उधर के चौकीदार ही कर रहा है? देखिए ना बाबू भैया। क्या देखूं? इतनी देर से कपड़े धो रहा था, जब मैं बाथरूम की ओर गया तो धड़क से अंदर घुस गया। इसे कहिए ना कि जल्दी बाहर आ जाए, मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है। ए, संडास में भी कभी इंटरव्यू होता है क्या? ए राजो, तू बाहर है, इसको जाने दे। ए बाबू भैया, आप मेरे पर्सनल मामले के बीच में मत आना, समझे? ठीक है बाबू भैया, ऐसे ही अंदर घुस गया, कुछ कर नहीं रहा वो। दरवाजा खुला रख दिया मैंने, जिस जिस को शक है वो अंदर आके देख ले, खुले दर्शन है। बाबू भैया, आप बुजुर्ग हैं, आप अंदर चलिए। क्या रे बाबा, है तुम्हारे लिए चाचा? ये सबेरे सबेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? बाबू भैया, पीले गगन में चले। बाबू भैया पकड़ दिया, पकड़ रहे। चालो
जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा? कम से कम 40-50 किलो का वजन होगा। धोती धोती ये ले। धीरे, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं बाद में आऊं? नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग है ना कुंफू कराटे की प्रैक्टिस कर रहे थे प्यार से। आप लोगों में से शाम कौन है? मैं हूँ शाम। आप जरा यहाँ आएंगे? आपको मुझसे काम है? हाँ मुझसे काम है। देखा देखा? अरे नहीं देखा रहे, उसके देखने से पहले मैंने फट से धोती पहनी। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, शाम के पीछे गोपियाँ कैसे मंडरा रही थी वो देखा? अरे वो उसकी बहन होगी। बहन होगी? हाँ। इतनी गोरी, आपको कैसे मालूम? उसने भी चश्मा पहना, इसने भी चश्मा पहना, दोनों चश्मे। उस हिसाब से तो आप उनके बाप होने चाहिए।